आज हम बात करेंगे किडनी फेलियर को लेकर कि क्या इसके रीजन है और डायलिसिस से कैसे कनेक्ट करता है। तो इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर विश्वप्रभा चौधरी जी मौजूद हैं, जिन्हें सोशल मीडिया का सहिंसा भी कहा जाता है। तो सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू। और इसी के साथ मेरा पहला सवाल यही है कि किडनी फेलियर क्या है। किडनी फेलियर देखिए, जिस तरह से आपका हार्ट होता है वो ठीक से काम ना करे उसे बोलते हैं हार्ट फेलियर। आपकी किडनी है जो ठीक से नहीं काम करे तो उसे बोलेंगे किडनी फेलियर। ठीक, किडनी का काम क्या, पहले ये समझ लेते हैं। जो भी कुछ आप खाते हैं, जो भी कुछ आपके बॉडी में जाता है, उनमें या तो बॉडी उसको यूटिलाइज कर लेता है या फिर बॉडी उसको स्टोर करता है, या जो टॉक्सिन है राइट उसको बॉडी रिलीज करता है जो बॉडी को चाहिए नहीं। एक्सेस सोडियम, एक्सेस पोटेशियम, या क्रिएटिनिन या यूरिया, तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो वेस्ट की तरह बॉडी में बन जाती है। जैसे ही एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी चेंज होती है तो वेस्ट बनता है। मान लो आपने कागज़ जलाया तो आपने हीट एनर्जी प्रोड्यूस किया, लेकिन रह क्या गया, ऐश रह गया, राख जिसे बोलते हैं। तो राख क्या है, वेस्ट हो गया ना। ठीक उस तरह से बॉडी राख प्रोड्यूस करती है, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए राख प्रोड्यूस करती है। वो जो वेस्ट मटेरियल है, उस वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर यूरिन के रास्ते, पेशाब के रास्ते निकालना, ये किडनी का काम है। लेकिन किडनी ये काम नहीं कर पाएगी तो क्या होगा, वो वेस्ट बॉडी में जमता जाएगा। वो इंसान बॉडी में अगर यूरिन जमता जाए, वो वेस्ट जमता जाए, तो बॉडी फूलता जाएगा, और फूलेगा तो गुब्बारा को फुलाते जाएंगे, एक टाइम आएगा गुब्बारा जब बस्ट कर जाएगा। तो सेम थिंग हैपेंस इन द बॉडी ऑल्सो। तो किडनी का काम होता है कि वो जो वेस्ट बॉडी में जम जाता है उसको बाहर निकालना। और जिनका किडनी फेलियर बोलते हैं, वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनका वेस्ट बॉडी में बिल्डअप होने लगता है, उनकी पोटेशियम की मात्रा बढ़ने लगती है, सोडियम का मात्रा बढ़ने लगता है, या फिर यूरिया का मात्रा बढ़ने लगता है, क्रिएटिनिन का मात्रा, ऐसे बहुत सारे जो केमिकल्स हैं जो एक लिमिट में होने चाहिए उनकी मात्रा उनकी बढ़ने लगती है। इससे समझ आता है कि किडनी ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो वो इंसान थोड़ा फूला दिखने लगेगा, उसके पैर सूजे दिखने लगेंगे। तो दिस आर द इंडिकेशन। मान लो पैर आपके सूजे हैं तो आप चलेंगे तो दर्द होगा, पेन होगा, इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, घाव हो जाएगा। तो आप समझ रहे हैं कि ये है सारा ओवरऑल, दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड किडनी फेलियर। बोल सकते हैं किडनी फेल हो गया उसका, उसकी सूजन को देख के कोई बता सकता है उसका किडनी फेल हो गया, किडनी ठीक से काम नहीं कर रहा, वो जल्दी जल्दी बीमार भी पड़ेगा, उसके बॉडी में दबाव ज़्यादा रहेगा। तो दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड किडनी फेलियर। KFT टेस्ट होता है, किडनी फंक्शन टेस्ट, उससे भी पता चल जाता है, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सिम्टोमेटिकली भी पता चल जाता है। यस, तो इसी के अलावा जो मेरा अगला सवाल है वो ये है कि इसका इलाज क्या है। देखिए होता क्या है कि आप खुद ही सोचिए, जैसे आपने हवा भरते गए तो आप बताइए कि उस बलून के अंदर का जो प्रेशर है, एयर प्रेशर, वो हवा भरने से बढ़ रहा है घट रहा है? बढ़ेगा। ठीक उस तरह से आपकी बॉडी में चीज़ें एक्यूमुलेट होती जा रही, इकट्ठे होते जा रही, तो आपके बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है वो क्या होगा, बढ़ेगा। तो अब ब्लड प्रेशर बढ़ता जा रहा है, तो इलाज जो कन्वेंशनल हॉस्पिटल्स में होता है, ब्लड प्रेशर की दवाई देकर उसको कम करने की कोशिश करते हैं। तो ब्लड प्रेशर की दवाई से हार्ट कम काम करने लगता है, जिससे बॉडी का ब्लड प्रेशर तो कम हो जाता है, लेकिन वेस्ट जो है वो कम नहीं होता, वो तो बॉडी में ही है, उसको तो नहीं निकाला, राइट। तो ठीक इसी तरह से एक टाइम आता है कि ब्लड प्रेशर की दवा खा खा के हमने उसके हार्ट को कमज़ोर कर दिया, लेकिन टाइम भी हम वेस्ट कर दिया, बॉडी में वेस्ट जमा होता गया। तो एक टाइम आएगा कि उस इंसान का जो थोड़ा बहुत किडनी काम करता था वो भी काम नहीं करेगा, इट इज़ अ टोटल एंड स्टेज किडनी डिजीज़ बन जाएगा। एंड स्टेज किडनी डिजीज़ यानी कि अब किडनी ने का जो फंक्शनिंग है वह मे बी 5% रह गया, 10% रह गया। तो अब बोलते हैं कि किडनी तो बिल्कुल काम नहीं कर रही है, तो अब क्या इलाज है? तो उसके लिए जो कन्वेंशनल जो हॉस्पिटल्स में होता है वो है डायलिसिस। डायलिसिस की मशीनें होती हैं, वो मशीन फिट कर देते हैं और वो खून बंदा वाला जिसमें वेस्ट इकट्ठा हो गया है वो बाहर जाता है मशीन में, और मशीन में से वो क्लीन करके, और ऐसा लगता है कि वो क्लीन है, वो अंदर बॉडी में दोबारा जाता है। तो कोशिश ये होती है कि जो काम किडनी को करना चाहिए वो किडनी नहीं काम कर रही है, वो काम मशीन कर रही है। तो किडनी फेल हुआ ही क्यों? क्योंकि जब आप ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ ज़्यादा खाते रहेंगे तो वो एक और कारण बन जाएगा किडनी के और ज़्यादा वर्स होने में। सो यानी कि ऐसे लोगों को
हफ्ते में एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, किसी लोगों को 7 बार भी डायलिसिस कराना पड़ता है। एक बार डायलिसिस में कराएंगे तो करीब 4-5 घंटे आपको मशीन के साथ बैठे रहना पड़ता है कि मशीन सारे ब्लड को धीरे धीरे ले रहा है और वापस भेज रहा है और वो सारी चीज़ें जो वो सारा वेस्ट मटीरियल वो अलग करता जा रहा है। दैट इज़ वॉट इज़ कॉल्ड डायलिसिस। तो किसी एक किडनी पेशेंट का महीने में खर्चा हो जाएगा 50,000 रुपये, 60,000 रुपये, 70,000 रुपये, क्योंकि डायलिसिस तो हॉस्पिटल जाके होगा, वो फ्री में तो होगा नहीं। तो यानी कि वो जब तक ज़िंदा रहेगा या रहना चाहता है तब तक वो डायलिसिस की मशीन पे रोज़ रोज़ जाना पड़ेगा, एक दिन छोड़ छोड़ के जाना पड़ेगा। तो जैसे कि आपने डायलिसिस की बात की, तो जो डायलिसिस के पेशेंट हैं वो इससे कैसे बच सकते हैं? देखिए, आप में से जो लोग मुझे सुन रहे हैं, अगर आप किसी ऐसे पेशेंट को जानते हैं जिनको हफ्ते में 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार डायलिसिस के लिए जाना पड़ता है, यानी कि एंड स्टेज किडनी फेलियर है, जो किडनी बिल्कुल ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गई है, अगर ऐसे पेशेंट्स आपके आसपास हैं या आप ही उस तरह के पेशेंट हैं, तो आपको पता है कि डायलिसिस पेशेंट का दर्द क्या होता है। ये जितनी सारी बीमारियों के नाम हमने सुने हैं, मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा पेन की ज़िंदगी होती है ऐसे पेशेंट की। कारण ये, एक तो उनको हर दिन डायलिसिस के लिए जाना पड़ता है एक एक दिन छोड़ के, और अकेले नहीं जा सकते, साथ में एक केयर टेकर भी होता है, वो इतने कमज़ोर होते हैं, तो दो लोगों की कि काम करने की क्षमता चली गई जॉब की, कि वो खुद भी उसका काम छूट गया, क्योंकि हफ्ते में 2-3 बार अगर डायलिसिस करने जाएंगे तो जॉब में कब जाएंगे, नौकरी पे कब जाएंगे या बिजनेस में कब जाएंगे, और जो आपको केयर करने के लिए लेके जा रहा है, लेके आ रहा है, उसका भी काम छूट गया, तो दो लोग, और लेकिन आपका जो हर महीने का खर्चा है 50,000 से लेके 1 लाख तक, वो तो जुड़ ही गया, राइट। वो तब जब डायलिसिस की वजह से साइड इफेक्ट नहीं हो रहे हों और कोई बीमारी का इलाज नहीं करा रहे हों तो, राइट, तो खर्चा आपका कई गुना बढ़ गया अपने रहन सहन का और दो लोगों की नौकरी गई। तो आपका जो सवाल है कि अगर उसको डायलिसिस, पेशेंट को डायलिसिस नहीं कराना कल से, ध्यान सुनिए, आप आज डायलिसिस करके आए हैं, आप चाहते हैं कि दोबारा मैं हॉस्पिटल ना जाऊं, या तो उतने पैसे ही नहीं है या कोई ले जाने वाला नहीं है, तो क्या होगा ऐसे पेशेंट का? क्या वो पेशेंट मर जाएंगे? वो पेशेंट नहीं मरेंगे, वो पेशेंट घर पे बैठ के अपना डायलिसिस खुद कर सकते हैं बिना किसी मशीन के। कैसे, ये मैं आपको दिखाता हूँ, हाउ यू कैन डू योर ओन डायलिसिस। यानी कि ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इस वीडियो से, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिवोल्यूशनरी वीडियो आपने देखी होगी, एटलीस्ट डायलिसिस पेशेंट्स के लिए, कि आप किसी भी डायलिसिस पेशेंट को जानते हैं या आप खुद हैं, एक दिन के अंदर आपका डायलिसिस की ज़रूरत ख़त्म हो सकती है और ज़िंदगी भर दोबारा डायलिसिस के लिए जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप जो अब मैं बता रहा हूँ अगले एक मिनट में वो करेंगे तो। तो वो क्या है, अब देखिए आपको क्या करना है, एक हॉट वाटर टब लेना है, एक बाथटब हम आपने सबने देखा है, ये है बाथटब, राइट, जो आपके बाथरूम में होता है, राइट, जिसमें आप इस तरह से बैठ पाए इसमें, और बैठने के बाद पानी का टेम्परेचर होना चाहिए, याद रखिएगा 40 डिग्री सेल्सियस, और पानी कहाँ तक होना चाहिए, पानी आपके गले तक होना चाहिए, अभी गले तक नहीं है पानी, मैं थोड़ा और पानी इसमें डाल देता हूँ, और ये मैं बाथटब में पानी डाल रहा हूँ, ये डायलिसिस का पेशेंट है, अभी भी गले तक नहीं है, थोड़ा सा और पानी मैं डाल देता हूँ ताकि ये पानी इसका गले तक पहुँचाए, ठीक है ना। इस तरह से आपको अपने ये ध्यान रखना है कि डायलिसिस के पेशेंट को, कि उसका जो है ये गले तक पानी उसके बाथटब में हो, और जब गले तक पानी होगा और 40 डिग्री पे होगा, और अगर पेशेंट ऐसे 40 डिग्री वाले पानी में 4 घंटे तक बैठा रहे, तो एक काम होता है कि उसका ये जो प्रेशर है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और गले के नीचे का जो प्रेशर है वो 2% ज़्यादा है। जब ज़्यादा होता है तो ऐसे में उसके जो हार्ट का जो पंपिंग है, राइट, सो हार्ट का जो आउटपुट है वो 20% बढ़ जाता है, प्लस इस तरह से बैठने से पैर का खून है वो ऊपर आ जाता है। इन दोनों स्थिति में आने के बाद बॉडी के अंदर कुछ केमिकल बदलाव होते हैं सभी में, जैसे बॉडी के कुछ केमिकल है, जैसे रेनिन एक केमिकल है, या फिर नॉरएपिनेफ्रिन एक केमिकल है, वीसोप्रेसिन एक केमिकल है, ये सारे कम होने लगते हैं, राइट, और जैसे ये कम होंगे तो बॉडी अपना डायलिसिस स्विच ऑन कर देता है, यानी कि उसके बॉडी से सोडियम निकलने लगेगा, उसका पोटेशियम कम होने लगेगा, उसका क्रिएटिनिन क्लीयरेंस होगा, उसका यूरिन आउटपुट बढ़ जाएगा, उसका यूरिया बढ़ जाएगा, राइट, और उसका वेट भी कम होने लगेगा। तो मतलब ये कि अगर ये 4 घंटे आप बैठ जाएं इसमें, तो आपका बॉडी सेल्फ डायलिसिस मोड में आ जाता है। तो हॉस्पिटल जाके मशीन में 4 घंटे ना बैठ के आप ये जुगाड़ अपने घर पे कर सकते हैं, तो इससे आपकी डायलिसिस एक दिन के अंदर छूट सकती है, आपका ब्लड प्रेशर भी नीचे आ जाएगा, ब्लड प्रेशर की दवाई छूट सकती है एक दिन के अंदर। हमारे पेशेंट्स हैं, उनकी दवाइयाँ छूट जाती है। तो बड़ा सिंपल मैंने बताया,
इसको कीजिएगा। और आप अगर किसी डायलिसिस पेशेंट को जानते हैं तो ये वीडियो ज़रूर दिखाइएगा, वो एक ही दिन में डायलिसिस फ्री हो सकते हैं। ये कोई डॉक्टर आपको नहीं बताएगा, क्योंकि उनका दाना पानी उसी वक्त ख़त्म हो जाएगा, राइट। सो उसी वक्त जो मैं बता रहा हूँ, ये कोई मेरा इन्वेंशन नहीं है, ये एक पहले से ही साइंस है, ये बॉडी का साइंस है कि बॉडी को इतने टेम्परेचर में अगर यहाँ तक रखा जाए तो बॉडी का कार्डिक आउटपुट बढ़ जाता है 20%, और उसकी वजह से और बॉडी में पानी, पैरों का जो खून है वो इधर आके जम जाता है, इसकी वजह से बॉडी सेल्फ डायलिसिस मोड में आ जाता है। तो इससे आपके सवाल का जवाब, किसी भी पेशेंट को, चाहे वो कितने भी एंड स्टेज किडनी फेलियर का पेशेंट है, वो डायलिसिस से और किडनी की सारी दवाइयों से एक दिन के अंदर आज़ाद हो सकता है, और डायलिसिस पे जो खर्चा है वो ज़ीरो हो सकता है, और हर दिन ये पेशेंट ठीक होता रहेगा। और जब ऐसा वो करेगा कुछ दिनों तक, करीब एक महीना, तो उसके बाद ये नहीं भी करेगा तो भी उसका बॉडी किडनी वापस रिवाइव कर जाएगी, मतलब अब उसको कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन ये तब काम करेगा ज़्यादा जब इसके साथ आपको DIP डाइट लेना है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, बॉडी में जो वेस्ट है उसको तो बॉडी से बाहर फेंकता जा रहा है, लेकिन वेस्ट कल दोबारा ना जम जाए बॉडी में, उसके लिए आप डाइट को चेंज कर रहे हैं, DIP डाइट, राइट। तो DIP डाइट दो काम करेगा, एक तो बॉडी का में दोबारा वेस्ट जमने नहीं देगा, और दूसरा जो डेड किडनी सेल्स हैं नए सेल्स को पैदा करने में हेल्प करेगा, लेकिन ऑलरेडी जो जमा हुआ जो राख है बॉडी में उसको ये निकाल देगा। एक तरफ से बॉडी से आप वेस्ट निकालते जा रहे हैं, दूसरी तरफ नया वेस्ट जमा ना हो DIP डाइट पे आ गए। तो ऐसा हम करते हैं अपने किडनी पेशेंट्स के साथ। हमारे पास कितने ही किडनी पेशेंट्स हैं जो एक टाइम पे डायलिसिस पे थे, लेकिन आज वो डायलिसिस फ्री हैं। तो मैं आपको चैलेंज करता हूँ, जो भी लोग सुन रहे हैं, अगर कोई डॉक्टर सुन रहा है, कोई हॉस्पिटल सुन, कि आप हमें पेशेंट दीजिए या हमारे पेशेंट को देखिए, दे कैन बी डायलिसिस फ्री, राइट। वो फ्री हो सकते हैं और होते हैं और हमेशा फ्री रहते हैं। तो जैसा कि सर आपने बताया है डायलिसिस का, तो एक महीने लगातार हमें 4 घंटे करना होगा एक दिन में? ये वो पेशेंट है जो एक महीना लगातार, जो अदरवाइज जिंदगी भर लगातार रोज 4 घंटे हॉस्पिटल जाते थे, उनको करना होगा, जो 2 घंटे के लिए जाते थे, राइट, उनको कम। ये क्या है कि इमेजिन कीजिए, वो पेशेंट जो रोज़ हॉस्पिटल जाता है और 4 घंटे डायलिसिस मशीन में बैठा रहता है, जो कि बहुत पेनफुल प्रोसेस होता है, उसको अगर बोले कि नहीं भाई आप वहाँ हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है, महीने में 50,000 1 लाख रुपये खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने घर पे ये कर लो, उसके लिए तो आसान है, प्रॉपर सेफ है, ये सेफ है, इसमें कुछ भी नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, साइड बेनिफिट है अगर उसको वो डायबिटीज़ का पेशेंट भी है तो डायबिटीज़ का ठीक हो जाएगा, साइड बेनिफिट है बाई चांस वो हार्ट का पेशेंट है तो कार्डिक आउटपुट बढ़ रहा है तो हार्ट पेशेंट भी नहीं रहेगा, वो ठीक हो जाएगा। साइड बेनिफिट ये, अगर वो मोटा है तो उसका वेट भी घट जाएगा, पहले दिन ये 1 से 1.5 kg घट जाता है, फर्स्ट डे, पहले 4 घंटे में, यानी कि आप इसमें ये करने से पहले अपना वेट तोल लें और करने के बाद तोड़ लें, पहले आपका ब्लड शुगर देख लें, उसके बाद ब्लड शुगर देख लें। तो जैसे ये टेक्निक आपने बताई है, अगर वो लोग जो घर पर इसे ना कर पाएं तो वो कहाँ जाएं? ऐसे लोग हैं जो घर पे नहीं कर पाएं तो वो हमारे हॉस्पिटल आ सकते हैं, तो वहाँ पे ये इंतजाम है कि 40 डिग्री पे टेम्परेचर कैसे मेंटेन हो। कई बार जैसे बैठेंगे थोड़ी देर पर टेम्परेचर कम होने लगेगा, मेंटेन करने के लिए भी हमारे टूल्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, तो वो आप लोग आपका आप आएँ वहाँ पर एडमिट करें अपने आप को, आप देखें चमत्कार कि कैसे ना केवल डायलिसिस से मुक्ति पाएं बल्कि आप किडनी को भी वापस रिन्यू कर पाएं। तो कहने का मतलब है कि घर से ज़्यादा किसी की निगरानी में करना ज़्यादा सेफ रहेगा? निगरानी में करना शुरू में ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह से आपका BP कम होगा, ब्लड प्रेशर कम होगा, क्रिएटिनिन की वैल्यू कम होगी, राइट, EGFR बढ़ेगा, उस रफ्तार से आपके ड्रग्स को भी टेपर डाउन करने होंगे जिन दवाइयों पे ऑलरेडी आप थे, राइट। तो वो सारा चीज़ मैनेज करना तो, और डाइट को भी अकॉर्डिंगली मॉडिफाई करना, ये इसके लिए थोड़ी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। तो ये ट्रेनिंग लेके आप अपनी मदद कर सकते हैं, अगर आपके घर में कोई डायलिसिस पेशेंट है उनकी मदद कर सकते हैं, या तो आप ट्रेनिंग ले लो या हॉस्पिटल में आ जाओ तो इसको सीख सकते हैं आप, ये इट कैन बी लाइफ सेविंग। बिल्कुल। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें इतना कीमती वक्त और कीमती जानकारी देने के लिए। थैंक यू। अगर आप हमारे एक्सपर्ट्स की गाइडलाइन में रहकर इलाज लेना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट करें हमारे हेल्पलाइन नंबर पर 9672702080 पर। थैंक यू।